ये देखिए मिस्ट्री बॉक्स तैयार किया हमने। ये मिस्ट्री बॉक्स तो ये हमने सारा रूम डेकोर कर लिया है, वेलकम लिख दिया है। Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel। तो यार इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि साथ गया हुआ है श्रीलंका। साथ ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पे स्टे करूंगी, तो अभी मैं इधर हूँ फॉर अ वीक। अभी जो है वो मैं आप लोगों को पहले सबसे मिलवाती हूँ, मेरे घर में कौन कौन लोग रहते हैं मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज का प्लान है क्या। उससे पहले आप सबका वेलकम बैक है इस नए व्लॉग के अंदर। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। तो क्या हाल है मामा, क्या बना रही हैं? चिकन पुलाव। यहाँ पर बन रहे हैं बच्चों के फ्राइज। पर एनीवेज अभी हम लोग चलते हैं, हम आपको दूसरे बच्चों से मिलवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे बाबा? मैं ठीक, आप बताएं। बाबा साथ के लिए क्या मैसेज है आपका? साथ के लिए मेरी तरफ से चुमा। चुमा साथ को मेरी तरफ से। साथ मैच देखने गया हुआ है? बहुत अच्छी बात है, गुड बॉय, अच्छी तरह से मैच देखो, एंजॉय करो और पाकिस्तान को जिता के आओ। ये तो बोले नहीं आप? बिल्कुल 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 जनाब, जिता के फिर आओगे, वरना फिर बेटा जहाज में नहीं बैठना, फिर तुम उधर ही रहो। और ये है मेरा मरीज भाई जो कि हमेशा की तरह लेटा हुआ है। और ये है मेरी प्यारी सी भाभी और उनका है प्यारा सा ज़ियान। ये है मेरे घर का सबसे मोटा अफराद जो सबका खाना खाता है, इसके लिए ही फ्राइज बन रही है, इसके लिए ही सारा खाना बनता है। ये मेरा पारा सा बेटा है, ये मेरा पारा शपिता। तो गाइस आज का मैं तुम लोगों को प्लान बता देती हूँ, वो ये है कि आप लोगों को जैसे पता है कि साथ श्रीलंका गया हुआ है, तो आज मैंने साथ के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची हुई हैं डालूंगी और उसके अंदर कुछ मज़े की फ़नी चीज़ें भी डालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं और उसके लिए चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करते हैं। अभी जो है ये वाला व्लॉग मैं तभी पोस्ट करूंगी जब मैं उसको सरप्राइज दे दूंगी और वो ओपनिंग कर लेगा। ये मेकअप आर्टिस्ट है मेरी बहन और इसकी आप हरकतें देख सकते हैं ऑल द टाइम। शी यू विल फाइंड हर इन दिस रूम जहाँ पे बस मेकअप है, ना बेड है, स्टूडियो लाइट्स हैं, नथिंग एल्स। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं भला पता है तुम्हें? हाँ, हम लोग जा रहे हैं साथ के मिस्ट्री बॉक्स की तैयारी करने। जीजू का मिस्ट्री बॉक्स बना रहे हैं। गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बस हम लोग अपने रास्ते पे हैं। तो आइए अभी मैं ग्लासेस वगैरह देखने आई हूँ, साथ के पास कोई सनग्लासेस नहीं है तो मैं सोच रही उसके लिए सनग्लासेस ले लूँ एक। बस भाई ये वाली सनग्लासेस हम लेने लगे हैं साथ के लिए, ये कर दें। फिलहाल अभी हम ट्रिमर देखते हैं क्योंकि उसके पास वो भी नहीं है। इनमें से कौन सी बेहतर है? तो यार ये एक पसंद आ तो गई है हमें, तो भाई ये वाली मशीन हमने ले ली है, बस चलते हैं। तो यार अभी तक हमें सिर्फ एक कैमरा पसंद आया, बाकी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें को दिखाती हूँ, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा प्लान। यार ना साथ कल पर से टपक पड़े, कुछ पता भी नहीं उसका। हाँ। मैच का क्योंकि कुछ पता नहीं है। तो यार और कुछ समझ नहीं आया, ये पानी की बोतल लेने का प्लान बन गया, ये भी डाल दो। तो अभी मैं परफ्यूम देखने आई हूँ, परफ्यूम ही पसंद कर लेते हैं साथ के लिए कोई। यार ये वॉचेस वगैरह भी हैं लेकिन मैं इसके लिए वॉच ले नहीं सकती क्योंकि साथ इज अ वेरी रफ एंड टफ गाय, ही विल नॉट वेयर अ वॉच। मुनीर ने उसको एक बार गिफ्ट की तो उसे कभी नहीं पहनी। यार ये भी स्लीपर्स वगैरह हम देखने आए हैं क्योंकि साथ जो है ना गंदे मंदे जूते पहनते हैं, उसके लिए जूते भी ले लेते हैं। खबरदार मेरे शोहर के बारे में कुछ बोला। तो यार ये हमने स्लीपर्स वगैरह देखे हैं लेकिन मुझे पसंद सिर्फ ये वाला है, तो इसमें शुक्र है साथ का साइज भी है तो बस ये वाला हम ले रहे हैं। थैंक यू। चलो भाई स्लीपर्स भी ले लिए हमने। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। 10 बजे पूरा लाहौर बंद हो जाता है और अभी 9:53 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। अब हम कल निकलेंगे और बाकी की जो शॉपिंग रह गई है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाकी की सारी चीज़ें लेने, तैयार शहर में हो गई हूँ, गाड़ी निकल रही है, मामा भी तैयार हैं, आज मैं मामा को साथ लेके जा रही हूँ। तो अभी बस निकलते हैं, मॉल चलते हैं ताकि मॉल में सारी चीज़ें हमें मिल जाएँ। ये कार्टून भी हमारे साथ जा रहे हैं, आ जाओ। कैसे हैं पापा? By the grace of Almighty Allah, I'm quite well. आ जाओ बैठ जाओ अब। तो यार अभी मैं शर्ट्स वगैरह देखने आई हुई हूँ, ये मुझे शर्ट बड़ी पसंद आई है यहाँ पे, और एक ये ऑप्शन भी है, ये भी बहुत प्यारा कलर है, मुझे ये ज्यादा पसंद आई है, बहुत डिसेंट कलर है। ये वाली शर्ट अच्छी लग रही है, ये है भी लार्ज में, तो आई वुड से हम ये ले लेते हैं। तो भाई ये ले लिया है हमने, इसको हम लोग यहाँ पे हैंग कर देते हैं विरदा की बास्केट में। विरदा हैंग कर दूँ? माइंड तो नहीं करोगी? यार ये ट्राउज़र भी मुझे पसंद आया, ये भी एक ले लेते हैं। और यार अभी मैं आई हुई हूँ इस सेक्शन में जहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ चॉकलेट, माइलो ले लिया है, कॉफ़ी ले ली है, इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी मैं जमा कर रही हूँ। मैंने उसके लिए ये इलेक्ट्रिक ब्रश भी लेने लगी हूँ। बहुत सारी शॉपिंग हमने कर ली है और बस अभी हम जा रहे हैं घर,
और इसका मैं मिस्ट्री बॉक्स भी अभी यहाँ से कहीं से खरीद लेती हूँ और सारे बॉक्स में चीज़ें डालती हूँ और तुम लोगों को दिखाती हूँ कि वो लगेगा कैसा। बहुत एक्साइटेड हूँ। आ हा हा हा, ये लेते हैं ना, ये साथ के लिए लेते हैं। ये एक डक है, इतनी क्यूट सी डक है ये। बस यार ये मैं डक लेने लगी हूँ साथ के लिए, इट्स वेरी क्यूट, ही इज़ गोना बी सो हैप्पी। तो यार ये मैंने ले लिया है, इसको भी रख देते हैं सामान के अंदर। तो यार ये शॉपिंग वगैरह हो गई है, अभी सामान गाड़ी के अंदर रखवाते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस हमारे पास जो है वो पार्सल आ गया है, ये मुझे बॉक्स मिला है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला इसके अंदर। तो वैसे साथ खुद भी पूरा आ जाएगा जितना ये बड़ा बॉक्स है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने मिस्ट्री बॉक्स तैयार कर लिया, खोल के देखना एकदम कैसा रिएक्शन आता है तुम्हारा। इस तरह से दोगे उसको मिस्ट्री? नहीं नहीं पागल, अभी पैकिंग पागल कही इस तरह से बॉक्स दोगे? मैंने पैकिंग कर दी उसकी। क्या है बुरा लगा? बीच में स्माइली क्योंकि वो सड़ा रहता ना हर वक्त, तो मैंने उसको स्माइली दी। बॉक्स लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पे शॉप के ऊपर और यहाँ पे मैं इस पर रैप करा रही हूँ। रैप कराने के बाद घर पहुँचते हैं और आज ही मैं चली जाऊँगी वापस अपने घर बैरिया और वहाँ जाके जो है हम लोग थोड़े बलून्स वगैरह फुलाएंगे जो कि मैंने मुनीब की ड्यूटी लगाई हुई है। ये मैंने मिस्ट्री बॉक्स भी लिखा है ताकि इसके ऊपर लगे और साथ को जरा एक्साइटमेंट क्रिएट हो। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, बैरिया चलते हैं और बैरिया जाके तो फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन है। यार अभी मैं घर पहुंची हूँ और मिस्ट्री बॉक्स जो है वो उसके अंदर ही है गाड़ी की। अभी मैं मुनीब से कहती हूँ कि मेरे साथ उठवाए और फिर ऊपर पहुंचवाए। मुनीब आपने बलून्स वगैरह फुला दिए जो मैंने आपको कहे थे? सब रेडी हैं। पूरे पता कितने बलून्स हैं? कितने? आओ ऊपर आओ। Oh my God. चलो देख। वाह ये आसमान वाले हैं। ठीक है इसको हम चिपकाएंगे कैसे? ये डबल टेप है। मिस्ट्री बॉक्स लेके आते हैं ना पहले, फिर सारा रख के बीच में। बिल्कुल ये तो बहुत बार। ये देखिए मिस्ट्री बॉक्स स्टार्ट किया हमने। ये मिस्ट्री बॉक्स। तो ये हमने सारा रूम डेकोर कर लिया है, वेलकम लिख दिया है, यहाँ पे बॉक्स रख दिए, यहाँ पे कैंडल्स रख दिए, यहाँ पे बलून सारे रख दिए हैं। झूठे ये सारा का सारा मैंने ज़िया ने किया, ज़िया आपने किया ना? मेरे पास प्रूफ पर है, मैंने एक घंटा लगा के किया। ये पसीना देखो, ये पसीना आपको वैसे आ रहा है। अच्छा तो ये बहुत ज्यादा प्यारा सा हमने कर लिया है रूम डेकोर। अभी सुबह 7 की फ्लाइट है, हम उसको पिक करेंगे 3 बजे के करीब। आप ले आना, मैं वेट करूंगी आप। हाँ अब आ रही है फोटो, बिल्कुल ठीक आ रही है। कब आए हो? कल ही आया। कब आए हो? आया हुआ था कब? Oh my God, I miss you. इतने पत्थरीज़ हैं तुम दोनों। Oh my God, I hate you guys so much. हम पूरी स्टोरी बताते हैं। ये मेरे कंट्रोल में भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता दूं। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि साद आ रहा है। मुझे भी नहीं पता था। आ गया था एकदम। मैंने कहा कि ये मेरी तो आपके साथ प्लानिंग थी। मैंने कहा अब ये क्या क्या करूं, मतलब आपने कल का प्लान किया और ये अब आ गया, बड़ा मिक्सअप हो गया। बलून्स ये सारा देखने में उफ ला। सो हैप्पी यू हियर। सो गाइस जो सरप्राइज मैंने साथ को देने के लिए हफ्ते से तुम लोगों का भी सर खाया हुआ था, रोज जाती थी तुम लोगों को चीजें दिखाती थी, ये लिया, सरप्राइज नहीं रहा क्योंकि साद इज हियर। साद ने रिवर्स सरप्राइज कर दिया है, इसने मुझे नहीं बताया था कि साद आ रहा है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ओ हमें बहुत, मुझे खुद नहीं पता मैंने आज वापस आना है। बिल्कुल फ्लाइट से 1 घंटा पहले मैंने टिकट बुक की है। मुझे जब मैं घर आया था तो मुझे मुनीब ने बताया था कि अरूम ने आपके लिए सरप्राइज रेडी किया हुआ है, और मुनीब ने भी इसलिए बताया क्योंकि मैं पहले आ गया था, उसको भी नहीं पता। हाँ। किसी को भी नहीं पता। अच्छा मजे की बात ये है कि मैं आज ही आ गई, सुबह साथ नहीं आना, तो मैंने सोचा था आज मैं इधर सो जाऊंगी। पता है मैंने क्या क्या सोचा हुआ था कि कल तुम आओगे तुम्हारे सारे फेवरेट खाने बनाऊंगी, फिर सुबह 8 बजे का अलार्म लगाना था, मैंने उठना था, मैंने शवारमास बनाए थे, इतनी चीजें करनी थी। अभी इसमें मिस्ट्री है। यस बहुत सारे गिफ्ट, ब्रांड न्यू कार, इतना बजट नहीं था मेरा। The next day. So guys, अनबॉक्सिंग सारी हो गई है। ये अनबॉक्सिंग साथ के चैनल पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई। तुम लोगों ने अगर देखना है कि इसके अंदर क्या क्या था, साथ के चैनल पे जाके देख सकते हो। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और बड़ा मजा आया आज, रिवर्स सरप्राइज हो गया, इट वॉज फाइन, बहुत मजा आया। होपफुली आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा व्लॉग। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। शुभ खैर।